हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे लो कट ऑफ एमबीबीएस स्टेट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं, तो यानी कि इनके रजिस्ट्रेशन रीओपन हुए हैं, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। रिजल्ट के बाद में एक बार फिर से ये रीओपन होंगे और तब मैं आपको बता दूंगा कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। कट ऑफ यहाँ की बहुत कम रहती है। अगर आपने थंबनेल में देखा है कि 500 प्लस वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ की फीस भी बहुत मिनिमल है। मैं इस वीडियो में आपको फीस के बारे में बताऊंगा, कट ऑफ के बारे में बताऊंगा और कितने कॉलेजेस अवेलेबल हैं वो भी मैं बताऊंगा। ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस की बात हो रही है तो उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि अपन उन्हीं में एडमिशन ले सकते हैं स्टेट कोटे के थ्रू। बाकी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू तो आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो, तो ये आपको प्रोसेस पता ही होगी। बात करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट, कट ऑफ भी मैं बताऊंगा, कॉलेजेस प्लस उसकी फीस सब कुछ इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखना, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिला है कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते ही रहो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। स्टार्ट करेंगे वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो जैसे कि आपको पता है कि केरला और कर्नाटका दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ की कट ऑफ सबसे लो रहती है, और ना सिर्फ कट ऑफ लो रहती है, वहाँ की फीस भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अफोर्डेबल होती है स्टूडेंट्स के लिए। एक तरफ जहाँ पर करोड़ों में फीस होती है, वहाँ के बजाय यहाँ पर फीस काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो बात कर रहे थे केरला स्टेट के, रजिस्ट्रेशन फॉर एमबीबीएस एडमिशन रीओपन हो चुके हैं। ऑल इंडिया कोटे के कैंडिडेट्स, जो कि एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटे के लिए तो कोई कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑल इंडिया से कहीं से भी हो तो फिर आप एलिजिबल हो, यहाँ की एलिजिबिलिटी हो, और एलिजिबल तभी हो पाओगे जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे पहले। तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, एमबीबीएस की सीट्स कितनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन के ऊपर आपको सारा डेटा दिख जाएगा, फीस कितनी है वो भी बताऊंगा, कट ऑफ कितनी है, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इस स्टेट के रिलेटेड या कि यहाँ पर एडमिबेस में एडमिशन लेने से रिलेटेड, वो सारी इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन के। तो सबसे पहले बात करें टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो यहाँ पर है 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। स्क्रीन के ऊपर आपको उनका नाम सब कुछ दिख जाएगा, जैसे कि अलहजर मेडिकल कॉलेज हो गया, तो ये सारे मेडिकल कॉलेजेस आपको दिख जाएंगे नेम वाइज, क्योंकि अगर एक एक कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताता तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया है स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि आप इजीली देख सकते हो। अगर आपको इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इवन है, वहाँ पर मुझे डीएम कर देना। हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो काउंसलिंग में तो फिर आपको वहाँ पे मुझे डीएम कर देना, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। ईमेल आईडी भी गिवन है चैनल के ऊपर, तो वहाँ से आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो इन टोटल 19 एमबीबीएस कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो 2600 है, यानी कि 2600 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स, जहाँ पर ओपन स्टेट के स्टूडेंट के लिए इतनी सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन जितनी सीटें हैं वो सारी ओपन ही हैं, इस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। नेम ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस एंड देयर फीस, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि अलहजर मेडिकल कॉलेज है, उसकी फीस है 777,179 रुपये पर ईयर के अकॉर्डिंग, और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, हॉस्टल के चार्जेस आपको अलग से देने पड़ेंगे, जो कि 1.5 से 2 लाख के बीच में आपके पढ़ते हैं, तो वहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और मेरे को अगर आप पहले से फॉलो करते हो या फिर इस चैनल को पहले से फॉलो करते हो, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपसे 10 से 11 लाख रुपए पर एनएम के अकॉर्डिंग पोस्टल प्लस ट्यूशन फीस आपकी यहाँ पर एमबीबीएस का कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट इन द सेंस कि एक वन ईयर कंप्लीट हो जाएगा, एक सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लोगे, जिसमें कि एक ईयर कंप्लीट करोगे जिसमें दो सेमेस्टर होते हैं, तो फिर उसको आप चेक कर सकते हो इजीली। तो ये फीस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गई, मेडिकल कॉलेज का नाम भी दिख गया, बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। जैसे कि अम्ला इंस्टीट्यूट आ गया, इसकी भी फीस सेम इतनी ही है, ऑलमोस्ट सभी मेडिकल कॉलेजेस की फीस लगभग इतनी ही है, 6 से लेकर 8 लाख के बीच में इनकी फीस होती है, और अगर कोई चेंजेस आएंगे तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप खुद भी उसको चेक कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर डिपेंडेंट हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि जो भी मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, स्पेशली एमबीबीएस बीडीएस और इन कोर्सेज के लिए। बात करते हैं कट ऑफ के लिए कि कितनी कट ऑफ इनकी रह सकती है, यानी कि 2023 में क्या रही थी और इस बार क्या चांसेस हैं।
बात करते हैं कटऑफ के बारे में, तो 2023 की कटऑफ का तो कोई मैच ही नहीं है, क्योंकि इस साल जितना मैच आप देख चुके हो, कितना ज़्यादा मैच हुआ है, और इतने सारे मैच के बाद में भी अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो इस वीडियो में उनको कंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं है। इसमें इस वीडियो से रिलेटेड इस टॉपिक से यानी कि रिलेवेंट टॉपिक से ही बात करेंगे। तो फर्स्ट राउंड की बात करें कट ऑफ की, तो 555 मार्क्स रही थी यहाँ पर कट ऑफ। लास्ट राउंड की ये बात हो रही है, यानी कि जहाँ पर कि लास्ट कॉलेज बच्चों को अलॉट हुआ था इस नंबर के ऊपर, तो फर्स्ट राउंड में इतना स्कोर रहा था। सेकंड राउंड में 539 मार्क्स की कट ऑफ रही थी, जो कि ऑलमोस्ट 16 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला, जो कि एक पॉसिबल बात है। थर्ड राउंड की बात करें तो यहाँ पर 531 मार्क्स की कट ऑफ रही थी, और ना थर्ड राउंड में ही कट ऑफ बंद नहीं हो जाती, एक और राउंड होता है स्ट्रे राउंड, अगर सीटें खाली रहती हैं तो वहां की कट ऑफ रही थी 566। तो ये मैंने यहाँ पर रेड मार्क्स इसीलिए नोट किया हुआ है क्योंकि रेड अलर्ट है। इसकी कट ऑफ फर्स्ट राउंड से भी ज्यादा रही है, ना सिर्फ ज्यादा रही है, 11 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है फर्स्ट राउंड से और लास्ट राउंड के बीच में, जहां पर कट ऑफ 531 से कम रहनी चाहिए थी वो इतनी ज्यादा हाई रह जाती है। क्या है इसका कारण? कारण सिर्फ एक ही है कि लास्ट राउंड तक बच्चे होप कर रहे होते हैं कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा अपने स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटे से, या फिर वो कोशिश करते हैं कि लास्ट राउंड में तो हमें कॉलेज मिल ही जाएगा, इसलिए वो कोशिश करते हैं अपने स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटे से कॉलेज लेने के लिए। लेकिन लास्ट में उनको जब पता चलता है कि कोई चांसेस नहीं है, तो फिर वो स्ट्रे राउंड के अंदर इतने ज़्यादा बच्चे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो करके रखे हुए होते हैं वो वहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग करते हैं, जिस वजह से जो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे थे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अपने को देख रहे थे, तो वो कोशिश करते हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से अपने साल बचाने का मौका मिल जाए और हमें कोई कॉलेज मिल जाए प्राइवेट जिसकी फीस भी कम हो और एजुकेशन क्वालिटीज भी अच्छी हो, तो वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं और लास्ट राउंड में कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई रहती है। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भी आए थे, तब मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो प्राइवेट कॉलेजेस में तो स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड राउंड तक आप ले लेना, अगर और भी ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो लास्ट राउंड थर्ड राउंड के बीच में, इससे ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, लास्ट राउंड का वेट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, यही होता है लास्ट राउंड में सबको कॉलेज चाहिए होती है एनी हाउ। तो जितना भी आपका बजट है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, डीएम कर देना, इंस्टाग्राम आईडी में दे दूंगा, वहां से आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ये बात हुई कट ऑफ के बारे में, कॉलेजेस के बारे में और उनकी फीस के बारे में। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट कितनी है, कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कौन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बात करें लास्ट अपॉर्चुनिटी टू रजिस्ट्रेशन, ये मैंने इसलिए नोट किया हुआ है क्योंकि यहाँ के स्टेट इन स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन पहले से ओपन हो जाते हैं, तो अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया होता है तो फिर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते वो 85% ऑफ सीट्स के लिए। ऑल इंडिया कोटे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कोटे हैं, तो फिर वो तो हर कोई हर कहीं के लिए अप्लाई कर सकता है, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अपन बात कर रहे हैं कि एनी हाउ अपन को कॉलेज मिल जाए, और ना सिर्फ कॉलेज मिल जाए बल्कि कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए जिसकी फीस ना के बराबर हो, या फिर एक MBBS अगर कर रहे हैं तो फिर फीस इतनी ही बहुत ही कम होती है। स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनको कॉलेज कम से कम मिल जाए ना मिलने के बजाय। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन रीओपन होते हैं हर साल, तो फिर मैंने आपको बताया था कि रीओपन होंगे, तो इसकी लास्ट डेट है 19 जून 2024। तो अगर ये वीडियो आप इससे पहले देख रहे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर जितने भी डिटेल है वो मैं लगा दूंगा, आपको फायदा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको www.cee.kerala.gov.in के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको सारी चीज़ें प्रोसेस समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए। बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी, बट फिर भी कमेंट में बता देना ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट नज़र आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, स्पेशली अगर हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस साल तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कट ऑफ कितनी है वो आप ऑटोमेटिकली जानते हो, और नहीं जानते तो ये वाला वीडियो देख लेना, आपको कट ऑफ के बारे में पता चल जाएगा इस साल क्या रहने वाली है। रीनीट और बाकी चीज़ों के बारे में जो कि इन्फॉर्मेशन हम लगातार आपको दे रहे हैं वो मैं आपको कंटिन्यूसली देता रहूँगा अलग वीडियोज़ में, क्या सैनिटरी रहता है वो सारे सब चीज़ों के लिए आप अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि आपको कोई भी अपडेट्स आते हो नीट के लिए तो वो सारे मिल जाएं। तो आई होप कि मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की कि कम कट ऑफ के ऊपर कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, तो 19 जून तक
तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फीस मैंने बता दी, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, आप अपना स्कोर, अपना स्टेट, अपनी कैटेगरी और कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो वो मुझे आप कमेंट कर बता देना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सजेस्ट करने की। ना सिर्फ MBBS के लिए, MBBS, BDS, BMS, BUMS, BHMS जो भी कोर्सेज हैं, BSc नर्सिंग, आप सभी के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इस साल ज़्यादा रहेगी, तो वीडियो मैंने आपको आपके लिए बना दिया है। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।